Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, in our previous video we start revision of chapter 1st geography, India's location and size. Okay, so today we will continue our chapter. Okay, so students, syllabus हम काफी cover कर चुके हैं but अब हम revision start कर रहे हैं हम chapters का. बिकॉज जो हमने राइट करे हैं नोटबुक्स में वो हमें लर्न भी होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट करा है ज्योग्राफी की. सो वी विल कंटिन्यू टुडे द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. सो लेट्स कंटिन्यू. आई सेंड यू अ वर्कशीट. सो टुडे वी विल डिस्कस द वर्कशीट हियर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर जनरल नॉलेज. ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आपने लर्न करा है, पढ़ा है, लर्न करा है, उसके बाद में आप भूल जाएंगे, कभी उसका यूज नहीं है. बल्कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एज अ जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं. क्योंकि इंडिया के बारे में कि हाँ इंडिया का एरिया कितना है, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. इंडिया की लोकेशन जब हम पढ़ रहे थे ग्लोब पर, कि ग्लोब पर इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो पढ़ने के लिए हमें पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए. आपको व्हेन यू रिमेम्बर कि हमने लैटिट्यूड पढ़े थे दैट आर लाइक दैट पैरेलल टू ईच अदर इमेजिनरी लाइंस एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से दो लैटिट्यूड के बीच में है इंडिया. तो किसके बीच में था? 8 degree 4 minute नॉर्थ टू 37 degree 6 minute नॉर्थ. मीन्स ये 0 degree इक्वेटर है, यहां पर 8 degree 4 minute टू 37, मतलब ऐसे दो लैटिट्यूड के बीच में. हमने उस दिन अच्छे से समझा भी था इस कॉन्सेप्ट को, वेन यू रिमेम्बर, है ना. एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कि इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, मीन्स जो लाइन नॉर्थ टू साउथ पोल को जोड़ती हुई आ रही है, उन लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है. सपोज दिस इज 68 degree 7 minute टू 97 degree 25 minute. ये 68 का है, ये 97 का, तो इन दोनों के बीच में है, तब हमें पता चलता है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है. सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमें बेटा ये जो फैक्ट है ये लर्न करने पड़ेगी. ऐसा नहीं कि मैम ने समझा दिया हमें समझ में आ गई, ये तो आपको टर्म लर्न ही करनी पड़ेगी, है ना. बिना लर्न करे हुए तो आपको पता नहीं चलेगा. सो दैट इज 8 degree 7 minute टू 97 degree 25 minute. अब ये कौन से हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इन दोनों के साथ में हम ईस्ट जोड़ते हैं, जबकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. एक अगर हम स्फीयर के पार्ट करें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इंडिया इसमें है, इसलिए जो भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनके साथ में हम ई पुट करेंगे. ओके, और ऐसे ही अगर हम हेमिस्फीयर को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, ये साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, ठीक है. मीन्स ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन से थे? ये वाले लॉन्गिट्यूड. तो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया. ईस्टर्न हम किसके साथ पुट करते हैं? लॉन्गिट्यूड के साथ. एंड नॉर्दर्न किसके साथ में पुट करते हैं? लैटिट्यूड के साथ में. सो आपको लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, टोटल एरिया ऑफ इंडियन लैंडमार्क. इंडिया का टोटल एरिया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का टोटल लैंडमार्क है. जबकि वर्ल्ड में कितना लैंडमार्क, इंडिया कितना परसेंट शेयर करता है, तो मतलब ये वर्ल्ड का जितना टोटल लैंडमार्क है उसका 2.4% है. तो दोनों में से एरिया का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में जो टोटल एरिया उसका कितना परसेंट इंडिया के पास में है, दैट इज 2.4%. एंड टोटल एरिया है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. अब नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हमें पता है, बट ये हमें डायरेक्शन वाइज पता होने चाहिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन देके भी पूछा जा सकता है. ओके, सो डायरेक्शन देके अगर पूछा जाएगा तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. तो डायरेक्शन वाइज देखते हैं नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया में. सो आप नॉर्थ में लिखेंगे, ये नॉर्थ है आपका. नॉर्थ में क्या क्या लिखेंगे आप? चाइना, नेपाल, भूटान, नॉर्थ में लिखेंगे आप. ओके,
उसके बाद में ईस्ट में, ये ईस्ट है तो यहां पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश इज हियर एंड म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश म्यांमार, म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था, तो ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, साउथ में आपको पता ही यहां पर श्रीलंका है, ओके श्रीलंका एंड नेबरिंग कंट्री साउथ में, एंड यहां पर आपको पता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना नेपाल एंड भूटान, ईस्ट में म्यांमार बांग्लादेश एंड साउथ में श्रीलंका, सो दीज आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये आपने लिखनी है अपने जो वर्कशीट मैंने दी है उसके आंसर में, अगर किसी बच्चे का रह गया तो ये वाले आपने आंसर उसमें राइट करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस टोटल नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, सो नॉर्थ टू साउथ बताया गया था आपको कितना है, दैट इज 3214 किलोमीटर, एंड अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, दैट इज 2933 किलोमीटर, ओके नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट इज टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, अब कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया था एक साइड सी हो, यहां पर अरेबियन सी है, और एक साइड लैंड हो, यहां पर बे ऑफ बंगाल है यहां से, तो यहां से और यहां तक का पार्ट ये कोस्ट लाइन है इंडिया की, एंड जो यहां पर बताए गए थे आपको लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, सो लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ये इंडिया के ही आइलैंड है, तो इनकी भी जो बाउंड्री है उसको हमने ऐड करा है कोस्ट लाइन में, ठीक है। तो कोस्ट लाइन टोटल कितनी है, 7517 किलोमीटर, आपको मैंने वैसे बताया था 7516.6 किलोमीटर भी हम लिखते हैं, लेकिन अगर आप 7517 किलोमीटर लिखेंगे तो इट विल बी द करेक्ट, तो दोनों में से आपको जो लर्न होता है आप वो लर्न कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टोटल लैंड बाउंड्री, अब ये तो हमने सिर्फ कोस्ट लाइन पढ़ी है, अगर हमसे टोटल पूछा जाए कि यहां से और पूरा यहां निकोबार को इंक्लूड करके जो टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है, दैट इज 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है कि लैंड बाउंड्री पूछी जाए तो कंप्लीट आप लिखेंगे, क्योंकि लैंड भी तो है यहां पर, ऐसा थोड़ी कि सी में है, ये लैंड भी है, लेकिन जब आपसे कोस्ट लाइन पूछी जाए तो आप सिर्फ यहां से और यहां तक का पोर्शन एंड अंडमान निकोबार की बाउंड्री, जो वाटर बॉडी से टच होता है जो एरिया उसकी बाउंड्री, दैट इज 7517 किलोमीटर। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, लैंड बाउंड्री में आप टोटल लैंड बाउंड्री लिखेंगे, जबकि कोस्ट लाइन में सिर्फ आप वो लैंड बाउंड्री इंक्लूड करेंगे जो वाटर से टच होती है, ओके। नेक्स्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इंडियन यूनियन का मतलब बताती हूँ मैं आपको, एंड इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में वो सारे प्लेसेस आते हैं जो इंडिया में इंक्लूड है, लेकिन इंडियन यूनियन मतलब कुछ चीजों से मिलकर के बनी है, उसमें अंडमान निकोबार स्मॉल आइलैंड है वो भी इंक्लूड है, तो इंडियन यूनियन जब हम बोलते हैं तो उसमें अंडमान निकोबार एंड इंडिया इंक्लूड है, जबकि हम इंडिया बोलते हैं सो उसमें अंडमान एंड निकोबार को हम इंक्लूड नहीं करते, ओके। सो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, अब इंडियन यूनियन का पूछा है तो अंडमान एंड निकोबार तो यहां से कन्याकुमारी से नीचे तक जाता है, तो यहां का जो लास्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, नॉर्थ में है ऊपर की साइड, जबकि जो निकोबार है वो साउथ में है, यहां पर साउथ में, तो निकोबार में सबसे लास्ट में एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, थोड़ा सा ये डॉट डॉट है, बिल्कुल डॉट जो लास्ट वाली है इंडियन यूनियन की, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अब 2014 में सुनामी आई थी, सुनामी क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है हमारा लैंड पर, ऐसे ही अर्थक्वेक जब
ओशन वाटर में आए तो जो टाइड्स होती है, जो वाटर होता है, वो कोस्टल एरियाज में एंट्री कर जाता है. ओके, सो ऐसे ही जो बे ऑफ बंगाल में, तो ऐसे ही जब इंडियन ओशन का जो वाटर था उसमें टाइड्स बनी, तो वो जो कोस्टल एरियाज थे अंडमान निकोबार और इधर के भी तमिलनाडु केरला, इधर के भी जो कोस्टल एरियाज थे वहां पर फ्लड आई थी. सो फ्लड आने की वजह से ये सबमर्ज हो गया. इंदिरा पॉइंट जो वाटर बॉडी में जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा था वो सबमर्ज हो गया, मतलब अभी वाटर के अंदर ही चला गया. ठीक है, सो ये सबमर्ज हो गया 2014 दिसंबर में जब फ्लड आई. लेकिन सब इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट, इसे अभी भी हम इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं. तो जब इंडियन यूनियन का आपसे पूछा जाए साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? इंदिरा पॉइंट. लेकिन जब आपसे ओनली इंडिया का पूछा जाए, ओनली इंडिया का साउदर्न पॉइंट पूछ रहे हैं, तो ये कन्याकुमारी है यहां पर. ठीक है, तो जब इंडियन यूनियन बोला जाए तो आप इंदिरा पॉइंट लिखेंगे, एंड जब आपसे ओनली साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया बोला जाए तो आप कन्याकुमारी लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज की बात कर रहे हैं, दैट इज गोवा. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज. एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है. हियर वी मिस वन क्वेश्चन, दैट इज आइसलैंड ऑफ इंडिया. इंडिया के आइलैंड ग्रुप कौन से हैं? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी में कौन से हैं? तो अरेबियन सी में क्या आएगा? लक्षद्वीप, क्योंकि मैंने कहा था ए के साथ ए नहीं आता है, मतलब अरेबियन सी के साथ में अंडमान निकोबार नहीं आएगा. मैंने आपको 8th क्लास में भी ये चीज बताई थी. सो जब आपसे अरेबियन सी में पूछा जाए कौन सा है, तो क्या आएगा? लक्षद्वीप. ये लर्न करने की ट्रिक है कि ए के साथ में ए नहीं आएगा. एंड जब आपसे बे ऑफ बंगाल में पूछा जाए, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में, तो क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार. ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आएगा बे ऑफ बंगाल में. तो बी के साथ में ए आ सकता है, लेकिन ए के साथ में ए नहीं आएगा, तो अरेबियन सी का लक्षद्वीप है. तो आइलैंड ग्रुप तो नेम लर्न हो ही जाएंगे कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार. अब अरेबियन सी में लक्षद्वीप है एंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार. ओके, सो दीज आर द 10 क्वेश्चन. यू हैव टू मैच द आंसर्स. अगर आपके करेक्ट नहीं है आंसर, तो आप आंसर लिखेंगे अभी मैंने आपको बताए हैं, एंड अगर आपके करेक्ट है तो वेरी गुड, कीप इट अप. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2 और 3 पार्ट्स है वो आज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस नहीं करे थे. सो दैट आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं. उसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ. सो 0 डिग्री को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ऐसे ही 23.5 डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक ओशन है यहां पर, एंड यहां पर अंटार्कटिक ओशन है, तो क्या इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, तो अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, इंडिया के लैटिट्यूड कौन कौन से थे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट. ये देखो, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट. तो अब इंडिया को बीच में से डिवाइड कौन सा लैटिट्यूड कर रहा है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इंडिया के बीचों बीच से पास होता है. ओके, सो विच लैटिट्यूड क्रॉस इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो कौन सा लैटिट्यूड है वो? ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट्स, किन किन स्टेट से पास होता है, तो उनके नेम आपको लर्न करने हैं। सो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये वो एट स्टेट है जहां से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो या तो एट स्टेट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपके एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन है कि कुछ तीन स्टेट के नाम दे दिया और फोर्थ आपको एक ऑड स्टेट दे दिया कुछ भी, और पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, तो आपको ये नेम लर्न होने चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। दीज आर द एट स्टेट ऑफ इंडिया विच अक्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका नंबर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक इज, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमने समझ लिया क्या है, ठीक है। सेकेंड इज इंडियाज लोकेशन ऑन इंडियन ओशन, ये समझने वाली बात है कि इंडिया की लोकेशन है वो इंडियन ओशन में है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इंडियन ओशन का जो नेम है वो इंडिया से ही पड़ा है, क्योंकि इंडिया इंडियन ओशन के पास में है, तो इसलिए उसे नाम क्या दे दिया गया है, इंडियन ओशन, मींस इंडिया का ओशन है इंडियन ओशन। तो ये जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है, दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन के ही पार्ट है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम सी रूट के थ्रू इजिली ट्रेड कर सकते हैं, इजिली पहुंच सकते हैं कहीं पर भी, ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में। तो सी रूट को फॉलो करते हुए हम वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज है उनके साथ में ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो नेशनल ट्रेड वे है, जिनसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है, उनके बीच में भी पड़ता है, अरे मतलब वो इंडियन ओशन को क्रॉस करता है वो वे। सो उस वे के बीच में हम, तो ये सिग्निफिकेंस है कि हम इजीली सी रूट को यूज करके मूव कर सकते हैं, एंड अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता है। सो इंडिया का ओशन है इंडियन ओशन, एंड इसके सिग्निफिकेंट ये है कि एक हम इतने अच्छी प्लेस पर सिचुएटेड है इंडिया, कि इंडियन ओशन के थ्रू है वो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्टेक्ट में है, डिफरेंट कंट्री के रीच में है, डिफरेंट कंट्रीज में पहुंच सकता है। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन। ओके, एंड द थर्ड टॉपिक इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछा गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन वो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड है ये, जिसका टाइम है वो पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जिस पर जो टाइम है वो पूरी कंट्री में फॉलो किया जा रहा है। और एक ही टाइम को क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पर जाएंगे तो वहां पर जो टाइम है वो या तो इंक्रीज या डिक्रीज करता हुआ हमें नजर आएगा, और अगर टाइम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है मतलब डिफरेंट स्टेट है उनमें डिफरेंट टाइम है। तो क्या हम इंडिया के सिटीजन्स एक ही कंट्री में रहते हुए डिफरेंट टाइम को फॉलो कर सकते हैं? नहीं, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। सपोज दिल्ली में कोई इंटरव्यू हो रहा है, वो 9 AM पे रखा गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश है वहां पर उस टाइम पर 10 AM हो रहे हैं, एक घंटा पहले चल रहे हैं। गुजरात है वहां पर 8 AM हो रहे हैं। तो जो लोगों ने आना है इंटरव्यू देने के लिए वो कैसे डिसाइड करेंगे कि टाइम क्या है? इसलिए पूरी कंट्री में हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं। और टाइम में डिफरेंस क्यों आता है, देखिए टाइम में डे या नाइट या टाइम में डिफरेंस आता है सन की वजह से। सन के चारों ओर हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, दिस इज सन, और ये हमारी अर्थ है, रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। सो जो लॉन्गिट्यूड है इस पर, जो लॉन्गिट्यूड सन के सामने होगा वहां का टाइम कुछ और होगा, उसके बाद में सेकेंड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ऐसे ही कर रही है ना, रोटेट और रिवॉल्व दोनों ही चीज कर रही है हमारी अर्थ। तो रोटेट की वजह से, रोटेट कर रही है हमारी अर्थ, सो रोटेट करने की वजह से जो लॉन्गिट्यूड सन के पास में होगा वहां पर टाइम पहले होगा,
सपोज करिए यहां पर जो टाइम है उसके 4 मिनट बाद का टाइम यहां पर होगा, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की जगह पर तक पहुंचने के लिए 4 मिनट्स लग जाते हैं। नहीं आया होगा आपके समझ में, मैं बताती हूं आपको। सपोज दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ओके, एंड इस पर लॉन्गिट्यूड ऐसे बनाए हमने इमेजिनरी लाइंस, एंड यहां पर हमारा सन है, तो सन के सामने ये वाला लॉन्गिट्यूड है अभी फर्स्ट वाला। जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक की पोजीशन लेने में, एक लॉन्गिट्यूड की सपोज दिस इज हमारा वन लॉन्गिट्यूड, टू लॉन्गिट्यूड, थ्री लॉन्गिट्यूड। अब ये सन है, सन के सामने वन लॉन्गिट्यूड है, तो यहां पर जो टाइम हो रहा है सपोज करिए 4:10 हो रहे हैं, यहां पर 4:10 हो रहे हैं। उसके बाद में जब सेकंड लॉन्गिट्यूड सामने आएगा, सपोज करिए फर्स्ट है वो चला गया, यहां पर सेकंड आ गया, सेकंड लॉन्गिट्यूड यहां पर आ गया, तो यहां पर 14 हो जाएंगे, टाइम 4:14 हो जाएगा, मींस 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड ये है तो हमारी अर्थ है यू रोटेट हो जाएगी, दूसरा लॉन्गिट्यूड आ जाएगा सन के सामने, फिर यू रोटेट हो जाएगी नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, फिर यू रोटेट हो जाएगी नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, मीन्स एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की जगह लेने में, ऐसे रोटेट होने में 4 मिनट लगते हैं। ओके, ये जो टाइम का डिफरेंस है ये लॉन्गिट्यूड की वजह से है। जैसे अर्थ का जो लॉन्गिट्यूडनल, सबसे इधर का लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे एंड सबसे इधर का, तो सबसे इधर वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये गुजरात में होगा। ठीक है, सो गुजरात में कौन सा लॉन्गिट्यूड है, दैट इज 8 degrees 7 minutes ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा लॉन्गिट्यूड है, दैट इज 97 degrees 25 minutes ईस्ट। तो हम इसको जब अप्रोक्स बनाएंगे तो हम इसे 98 मान लेते हैं। सो 98 में से 68 को अगर हम माइनस करें तो बीच में 30 लॉन्गिट्यूड आते हैं, मतलब गुजरात से जब हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे तो हमारे सामने 30 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, बीच में 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर रही है, मतलब के सामने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट 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 होते हुए सबसे लास्ट में जो लॉन्गिट्यूड आएगा वो होगा गुजरात का। तो सन को यहां पर सनराइज होने में एंड गुजरात में सनराइज होने में 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में कितने क्रॉस कर रहा है लॉन्गिट्यूड, 30 लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगे थे, एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेने में 4 मिनट लगे थे। ठीक है, तो 30 लॉन्गिट्यूड को कितने मिनट्स लगेंगे, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स हो गया ना, 2 आवर्स का डिफरेंस। कि सनराइज यहां पर तो अरुणाचल प्रदेश 5 AM पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 4 लगा लीजिए, तो यहां पर कितने, 2 आवर्स लेट, 6 AM पर यहां पर सन दिखाई देगा गुजरात में। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सन हमें वहां पर तब दिखाई दे रहा है तब वो लॉन्गिट्यूड सन के सामने आ रहा है, और सन के सामने आने में उसको कितने लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, इसलिए डिफरेंस है। और अगर हम ऐसे ही टाइम को फॉलो करें तो हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम होगा, क्योंकि लोकल टाइम को हम कैसे अज्यूम करते हैं, हम जो सनराइज होता है उसके अकॉर्डिंग लोकल टाइम्स के थ्रू चलते हैं। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन ना हो, पूरे इंडिया में हम एक ही टाइम को फॉलो करें, उसके लिए इंडिया में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस हो रहा है जिसका नाम है 82 degrees 30 minutes ईस्ट। 82 degrees 30 minutes ईस्ट है, उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट करा है 82 degrees 30 minutes ईस्ट, कि इस पर जो टाइम है वो हम पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर हो कि 82 degrees 30 minutes ईस्ट है वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन की जरूरत ही क्यों होती है, ताकि टाइम कंफ्यूजन है वो ना हो। ओके, टू अवॉइड द टाइम कंफ्यूजन, टाइम की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज करते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन ये आए कि व्हाई देयर इज अ 2 आवर्स डिफरेंस बिटवीन द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, क्यों है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इन दोनों में 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, सो यहां पर सनराइज होने में 2 आवर्स। उसमें आप ये भी करके दिखा सकते हैं कि वन लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक की पोजिशन लेने में एक, इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। ये है, यहां पर अभी
यहाँ पर लॉन्गिट्यूड ये है सन के सामने है, अब दूसरा लॉन्गिट्यूड जब सन के सामने जाएगा तो चार मिनट हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे, जब 30 लॉन्गिट्यूड सामने आएंगे सन के, तो वहां पर 2 आवर्स का गैप आ जाएगा, जो पहला लॉन्गिट्यूड है उसमें और जो लास्ट लॉन्गिट्यूड है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन को सेलेक्ट करा है हमने, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो टुडे यू विल लर्न द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है लास्ट में एनसीईआरटी, और काफी इजी है वो क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमने जो एक्सप्लेन करा है चैप्टर, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। सो यू हैव टू रीड देम एंड रिवाइज देम। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज योर होमवर्क। ओके।